फिर से एक नई सुबह हमारी इस गरीबी सी दुनिया में। एंड गाइस आज की सुबह बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि गाइस आज सुबह सुबह भीड़े भाई घर पे आ गए। पता है क्यों? ऑफ कोर्स जेठिया की वजह से, क्योंकि गाइस जेठिया ने भीड़े भाई का स्कूटर भंगार वाले को बेच दिया, और वो भी भीड़े भाई से पूछे बिना। देखो वो खड़े भीड़े भाई कितने गुस्से में दिख रहे। मेरे को लगता है आज तो भीड़े भाई जेठिया का काम तमाम करके ही रहेंगे। यार ये जेठिया से कांडा में क्यों करता है यार? लेकिन ये अभी जेठिया है कहाँ? लगता है भीड़े भाई के डर से भाग गया। अरे एक सेकंड, यहाँ पर ही लेवर किसने लगा दिया? अच्छा तो यहाँ छुपे हुए जेठिया महाराज। अरे बड़े भैया, मेरे को भीड़े भाई से बचा लो प्लीज। अरे नहीं भाई, मैं क्यों बचाऊं? तूने भीड़े भाई का स्कूटर बेचा ही क्यों? अरे बड़े भैया, वो भीड़े भाई का स्कूटर बहुत पुराना हो गया था, इसलिए मैंने भंगार वाले को बेच दिया। अबे यार तो कौन बोल रहा है तेरे को ये समाज सेवा करने के लिए? अरे बड़े भैया, मेरे को क्या मालूम था भीड़े भाई उल्टी खोपड़ी की मेरे को मारने आ जाएंगे। अबे तेरे को पता है ना कि भीड़े भाई को अपने स्कूटर से कितना प्यार है, वो उसको अपना बेटा मानते हैं। चले काम कर, तूने जो स्कूटर बेच के पैसे लिए ना वो दे दे, भीड़े भाई वो पैसों से नया स्कूटर खरीद लेंगे। अरे बड़े भैया, मैंने तो उससे जलेबी फाफड़ा खा लिया। यार गाइस ये जेठे के मारे परेशान हो गया हूं। बड़े भैया आपको बाबूजी की कसम, प्लीज मेरे को बचा लो। यार गाइस अपने को जेठिया ने बाबूजी की कसम दे दी, तो अपने को ये मैटर भी सॉल्व करना पड़ेगा। अरे बड़े भाई आप कुछ अचार पापड़ लोगे? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक मेयर सेक्रेटरी। अरे हाँ मेरे को वो पता है, मैं पूछ रहा हूँ कि आप कुछ खाने पीने में लोगे? सॉरी भिड़े भाई, जेठिया से गलती हो गई, उसको माफ कर दो। अब क्या बोल रहे हैं ये भिड़े भाई? मैं जेठिया को माफ नहीं करूंगा, मेरा सखारा वापस करो या फिर जेठिया को मेरे हवाले कर दो। यार गाइस अब मैं क्या करूं यार, मैं नया स्कूटर कहां से लाऊं? मेरी खुद की हालत इतनी खराब है कि मैं स्कूटर क्या साइकिल भी खरीद नहीं सकता हूं। मेरे को अगर बाबूजी की कसम नहीं होती ना, तो मैं अभी के अभी ना जेठे को भीड़े भाई के हाथ में सौंप देता। तो गाइस वो मैं कर नहीं सकता ना, इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अपन चलते हैं पप्पू सेठ के शोरूम, अपन ना वहां चलकर लोन पर स्कूटर उठा लेते हैं। तो ठीक है फिर चलते हैं सीधा पप्पू सेठ के शोरूम। ओके गाइस फाइनली एक घंटे के बाद अपन पप्पू सेठ के शोरूम आ गए हैं। देखो वो रहा पप्पू सेठ का कार का शोरूम। अरे भाई ये मैं कहां टपक गया? यार ये टुकर ने मेरे को कहां टपका दे गड्ढे में। यार मैं जब भी कुछ काम करने निकलता हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। ओके गाइस मैं कैसे तैसे करके गड्ढे से बाहर आ गया हूँ, अब चलते हैं कार के शोरूम। लेकिन एक सेकंड दया, तेरे को ये कार का शोरूम कुछ बदला नहीं दिख रहा? क्योंकि जब मैं पिछले साल आया था ना, जब ये कार का शोरूम काफी अलग था, लेकिन अब पप्पू सेठ ने तो यहाँ पर एक पूरी कार बना दी है। अरे भाई कितनी बड़ी कार बना दी यार पप्पू सेठ ने इधर। लगता है पप्पू सेठ और ज्यादा अमीर हो गए हैं। देख रहे हो गाइस, पप्पू सेठ अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं और मैं गरीब पे गरीब होते जा रहा हूँ। यार मुझे भी पप्पू सेठ जैसी किस्मत चाहिए यार। डुक्कर यहाँ पर दो मिनट खड़े रहे, मैं अंदर से ना स्कूटर लेके आता हूँ, और अगर तू यहाँ से जरा सा भी हिला तो दूंगा दो लपड़ खींच के। चुप कर बे कुत्ते। ओके गाइस अब चलते हैं भीड़े भाई का सखाराम लेने। ओहो माय गॉड, यार ये पप्पू सेठ ने कितना खतरनाक शोरूम बना दिया यार, मतलब शोरूम की पूरी शक्ल ही बदल दी। ये देखो पप्पू सेठ ने यहाँ पर खुद का पेट्रोल पंप भी लगा दिया। अरे यार ये कौन मार रहा है? अबे कैक्टस तेरी तो ज्यादा नहीं तराने का मेरे सामने। एक सेकंड, मेरे डुक्कर क्या कर रहा है यहाँ पर यार? अरे भाई तू ट्रॉली में जाके क्यों बैठ गया? तेरे को बोला था ना बाबा खड़े रहने के लिए। एक सेकंड, ये ट्रॉली हिलने क्यों लग गई और इसमें से गाड़ी की आवाज क्यों आ रही है? एक मिनट मैं भी बैठ के देखता हूँ कैसे बैठते हैं इसमें यार। ओहो बैठ गया। और ये क्या, ये ट्रॉली तो चालू हो गई। ये देखो गाइस ये ट्रॉली में इंजन लगा है। ओहो भाई इसको तो अपन चला भी सकते हैं। सही में यार ये कमाल की टेक्नोलॉजी बना रखी है पप्पू सेठ ने, मतलब ट्रॉली को गाड़ी बना दिया। और देखो गाइस ये चलने में भी कितनी स्मूथ है, बस इसमें ये दिक्कत है कि ये ढलान के ऊपर चढ़ नहीं पाती है। ये देखो कहाँ चढ़ पा रही है। अरे अरे ये ट्रॉली गड्ढे में कहाँ जा रही है? यार ये ट्रॉली कहाँ गड्ढे में लेके आ गई मेरे को यार, अब मैं इसको यहाँ से निकाल भी नहीं सकता। छोड़ दे ट्रॉली को, अपन इसमें कहाँ लग गए, अपन यहाँ पर सखाराम लेने आए तो इसलिए वो लेने चलो। ओके गाइस अपन अब चलते हैं शोरूम के अंदर। और ओहो भाई साहब ये कार का शोरूम है कि क्या है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। सही बता रहा हूँ गाइस, मैंने अपने सपने में भी ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ आज तक नहीं देखी है। ये देखो पप्पू सेठ तो फरारी भी लेके आ गए, और यहाँ देखो यहाँ पर तो विंटेज गाड़ियाँ खड़ी हुई है। गाइस ये गाड़ियाँ ना वो है जो महाराजा लोग चलाते हैं, और इनकी ना कीमत बहुत ज्यादा होती है, एकदम करोड़ों में होती है। और भाई साहब ये देखो ये तो स्पोर्ट्स कार है, वो होती है ना फॉर्मूला 1 वैसी कार है गाइस, ये स्पेशली रेस के लिए बनी होती है, तभी तो इसके टायर इतने बड़े बड़े होते हैं। और ये पीछे देख रहे हो टर्बो लगे हुए हैं चार चार। और ये देखो गाइस यहाँ पर तो पप्पू सेठ ऑटो रिक्शा भी बेच रहे हैं, इसका मतलब पप्पू सेठ ने अपना बिजनेस बहुत ज्यादा ही बढ़ा लिया है। और यहाँ पर देखो एक छोटा सा ट्रैक्टर भी खड़ा है, कभी गाइस बाघा जिंदा होता ना तो ट्रैक्टर देख के बहुत खुश होता। लगता है गाइस बाघों को अब जल्द से जल्द वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बहुत याद आ रही है गाइस मेरे को। एक सेकंड यहाँ पर ये कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है? यह ट्रॉली को गाड़ी बनाया समझ में आता है, लेकिन पप्पू सेठ ने कद्दू को भी गाड़ी बना दिया। यार ये सब्जी को गाड़ी बनाने की टेक्निक मेरे को भी सीखनी है, ये चलती भी है कि या फिर ऐसी शोपीस के लिए? और इसको तो इंजन चालू हो गया, ठीक है इसको फिर अपन चलाएंगे, लेकिन अभी नहीं बाद में, अभी जो काम करना है ना वो कर लेते हैं। अरे गाइस अब यहाँ देखो यहाँ पर तो पप्पू सेठ ने स्केटबोर्ड भी रख लिए। यार ये पप्पू सेठ कितना बिजनेस फैलाएंगे यार, लिटरली पप्पू सेठ हर चीज बेच रहे हैं। यार मैं फिर से टाइम पास में लगे, जो काम मेरे को करना है वो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। और पप्पू सेठ पहचाना मेरे को? आम या कौन हो तुम भिखारी के शक्ल के? गाइस सेमी के मेरी शक्ल भिखारी की तरह दिखती है। नहीं ना, तो फिर ये पप्पू सेठ मेरे को भिखारी क्यों बोल रहे हैं? वो पप्पू सेठ माने कि मैं अभी गरीब हूँ, लेकिन पिछले साल मैंने आपके शोरूम से 2 गाड़ियाँ उठाई हैं। यार मियां मैं पुरानी बातें याद नहीं रखता, जो बात अभी करनी है वो करो। तो पप्पू सेठ ने बोल रहा था कि मेरे को
ने एक स्कूटर चाहिए, वो भी सेकंड हैंड। यार मियां तुम कौन से जमाने में जी रहे हो यार, स्कूटर बनना तो बंद हो गया है, आजकल तो फरारी जैसी कारें आ गई है। यार गाइस ऐसे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पप्पू सेठ बोल रहे कि आजकल तो स्कूटर बनना बंद हो गया है, अब मैं बेड़े भाई को उनका स्कूटर वापस कैसे करूंगा। अब गाइस मेरी मदद एक ही आदमी कर सकता है और वो है सोढ़ी। तो ठीक है फिर चलते हैं अब सोढ़ी के गैराज। लेकिन गाइस उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक दो गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव ले लूँ, क्योंकि गाइस मेरे को भी जिंदगी में एक बार फरारी चलाने का मन था। लेकिन एक सेकंड ये शोरूम की पीछे साइड के चालू है। अच्छा यहाँ पर गाड़ियों की सर्विसिंग चल रही है, ये देखो यहाँ पर एक गाड़ी सर्विसिंग पर चढ़ा रखी है और इस साइड क्या है, अरे भाई यहाँ पर जो गाड़ी भंगार हो गई है वो रखी है, और इधर क्या चल रहा है, अच्छा यहाँ पर भी सर्विसिंग चल रही है। यार ये पप्पू सेठ अभी भी एक छोटे बच्चे से काम करवा रहे हैं, पिछले साल जब मैं आया था ना जब भी ये छोटू यही काम कर रहा था। यार छोटू पढ़ाई वढ़ाई करो, आईएएस वाइस बनो, देश का नाम रोशन करो। छोड़ो गाइस जब छोटू ही इंटरेस्टेड नहीं है तो अपन भी काय के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपन तो चलते हैं और चल के ये वाली फरारी चलाते हैं। ओहो भाई साहब ये फरारी की आवाज कितनी खतरनाक है। ओके इसको मैं बाहर लेके आ गया हूँ और चल तो अच्छे रही है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लगता गाइस इसके अंदर बहुत खतरनाक वाले शॉकअप लगे हुए हैं, तभी तो गाइस ये ऐसे चल रही है। लेकिन यार इसको भी अपन वन ब्लॉक के ऊपर नहीं ले जा सकते, ये देखो यहाँ पर आके अटक जाती फिर ये। क्या यार सारा मूड खराब कर दिया, बिल्कुल फरारी चलाने का मजा ही नहीं आ रहा है। पता नहीं पप्पू सेठ ने कौन सी नकली फरारी रख रखी है शोरूम में, ये देखो यहाँ पर आके अटक गई, यहाँ से निकल ही नहीं रही। अब शिट यार पूरा मूड खराब कर दिया। अपन तो गाइस अब चलते हैं, चल के वो विंटेज कार चला के देखते हैं। ओके ये रही वो विंटेज कार, इसके अंदर बैठने के बाद फुल टू राजा वाली फीलिंग आ रही है। चलो अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखो गाइस ये होती है ना कार, ये देखो अपन इसको कहीं भी आसानी से चढ़ा सकते हैं और चलाने में भी देखो कितनी स्मूथ है, जरा सी भी दिक्कत नहीं दे रही। ये देखो गांव वालों कभी देखी है ऐसी गाड़ी, मुझे मालूम है नहीं देखी होगी, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। गाइस ये गाड़ी है तो अच्छी, लेकिन यार इसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पता नहीं ये गाड़ियों में कौन सा शॉकअप लगा हुआ है जो इसे झटके मारती है, जरा से गड्ढे में जाती है पूरी गाड़ी हिल जाती है। अरे ये गाड़ी मैंने कहा चढ़ा दी यार, छोड़ दिया पप्पू सेठ बाद में इसको यहाँ से आके ले जाएंगे। अपन अब चलते हैं और ये चला के देखते हैं रिक्शा। चलो इसको बाहर निकालते हैं और भाई क्या स्पीड है रिक्शा की, इसके सामने तो वो फरारी भी फेल है। सही में काई के लिए फरारी खरीदने के लिए इतने करोड़ रुपए खर्च करना, इससे अच्छा ये खरीद लो। अरे ओ भैया कहीं छोड़ दो आपको मैं, निकल जाए यहाँ से, हम भिखारियों के मुंह नहीं लगते। अबे भिखारी होंगे तेरे पापा, भिखारी किसको बोला तू, और रिक्शा मैंने कहा टपका दी। चलो छोड़ो अपन इसको, अपन चल के दूसरी गाड़ी ट्राई करते हैं। सहमी गई जब से मैं यहाँ पर आया ना पता नहीं सब मेरे को भिखारी क्यों बोल रहे हैं। ओके अपने मैक्सिमम गाड़ी तो चला के देख ली, अब कौन सी चलाए। चलो एक काम करते हैं ये कद्दू वाली चला के देखते हैं। ए भाई दो मिनट उतर तो यार, मेरे को ये कद्दू वाली गाड़ी चला के देखनी है। अरे भाई उतर जा, अरे उतर प्लीज, जब तक मारो नहीं समझ में नहीं आती। ओके अब ये कद्दू वाली गाड़ी चला के देखते हैं। ओहो चल तो रही है वैसे गाइस, मेरे को लगा था नहीं चलेगी। ओके इसको बाहर लेके चलते हैं और भाई इसके तो टर्बो चालू हो गए। रुको गाइस मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखो गाइस इसके जब टर्बो एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर ये कितनी तेज भागती है। ये कद्दू वाली गाड़ी के सामने तो सारी गाड़ियां फेल है यार, मतलब इसकी जितनी स्पीड अभी तक कोई गाड़ी ने दी ही नहीं मेरे को। ओहो भाई साहब क्या बात है, फैंटास्टिक गाइस इसकी स्पीड तो बहुत अच्छी है, लेकिन लोग इसको देखकर हंसेंगे क्योंकि ये गाड़ी बहुत कॉमेडी दिखती है। चलो गाइस अपन ये कद्दू वाली गाड़ी भी चला ली, अब अपन चल के ना वो रेसिंग कार चलाते हैं। ओके ये रही वो रेसिंग कार। अरे भाई नीचे उतर यार, तू बार बार क्यों चढ़ रहा है गाड़ी में, नहीं मान रहा, ये लगता है इसको टपकाना पड़ेगा। हाँ नहीं तो की, चलो अब इसके अंदर बैठते हैं। एंड गाइस सही बता रहा हूँ, बहुत मस्त लग रहा है इसके अंदर बैठ के। चलो अब इसको बाहर लेके चलते हैं। और भाई वाव फैंटास्टिक यार, और भाई इसकी स्पीड बहुत कमाल की है, दया होगी ही कमाल की क्योंकि रेसिंग कार है ये तेज नहीं भागेगी तो फिर कौन सी गाड़ी तेज भागेगी। अपन ये रेसिंग कार से स्टंट मार सकते हैं क्या, नहीं स्टंट तो नहीं मार सकते लेकिन चलाने में बहुत मजा आ रहा है गाइस, और इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा आसान है। अरे भाई आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गई, अरे यार वहाँ बम्बू में जाके अटक गई। अब इसको अपन यहाँ से निकाल भी नहीं सकते, लगता पप्पू सेठ को बोलना पड़ेगा। तो फिर ठीक है चल के पप्पू सेठ को बोल देते हैं कि सारी गाड़ियाँ उठा ले अपनी। अरे पप्पू सेठ जाके अपनी गाड़ियाँ उठा लो। एक सेकंड ही गोला मेरे पीछे क्यों पड़ गया, अरे भाई कौन है ये जो मेरे पीछे पड़ गया, और यार ये मेरे को मार क्यों रहा है, भागो यार वरना ये तो मेरे को टपका देगा। अच्छा ये पप्पू सेठ का बॉडी गार्ड है, लेकिन ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। अरे अच्छा मैंने पप्पू सेठ की गाड़ियों की बैंड बजा दी ना, तो इसलिए अभी मेरी बैंड बजा रहा है। चल दया पतली गली से निकल ले यहाँ से और फटाफट से सोढ़ी भाई की गैराज चल। ओके गाइस काफी ही चलने के बाद अपन सोढ़ी भाई के गैराज आ गए हैं। ये देखो गाइस ये रहा अपने सोढ़ी भाई का गैराज। यहाँ पर भी मैं पूरे एक साल बाद आ रहा हूँ, लेकिन एक साल बाद भी यहाँ पर अभी तक कुछ बदला नहीं है। सोढ़ी भाई ने गैराज में कुछ अपग्रेड करा ही नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। वही मैकेनिक यहाँ पर अपनी गाड़ी सुधार रहे हैं, यहाँ पर वही भंगार पड़ा हुआ है, बस ये है कि भंगार की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो गई है। और ये वही सोढ़ी भाई का पुराना खटारा जीप, बस अपने सोढ़ी पाजी थोड़े बदले बदले दिख रहे हैं। और पाजी यहाँ पर आज कैसे आ गए, यार सोढ़ी भाई मेरे को ना स्कूटर चाहिए था सेकंड हैंड। अरे पाजी कौन से जमाने में जी रहे हो, स्कूटर बनना तो बंद हो गया है, ये देखो
हो गई सोटी पाजी भी वही बोल रही जो पप्पू सेठ बोल रहा था। पता नहीं अपना ये भेड़े मास्टर कौन से जमाने में जी रहा है यार, कभी मेरा बस चलता ना तुम उसको ये वाली बाइक दे देता। लेकिन गाइस भेड़े मास्टर बहुत जिद्दी है, वो सखाराम लेके ही मानेगा। यार सोटी भाई कुछ जुगाड़ करो यार, मेरे को अर्जेंटली स्कूटर चाहिए। देखो पाजी मेरे पास स्कूटर तो नहीं है लेकिन एक स्कूटर पड़ा है भंगार में। क्या बात कर रहे हो सोटी भाई, आपके पास भंगार में एक स्कूटर पड़ा है, जाके देख लूं मैं वो। अरे पाजी कभी भी देख लो, पूरा भंगार आपका ही तो है। तो ठीक है फिर गाइस अपन चलते हैं, चल के वो भंगार में पड़ा स्कूटर देख लेते हैं। बाप रे यहाँ पर कितना भंगार पड़ा है, वो स्कूटर मेरे को कहाँ मिलेगा। अरे भाई सोटी पाजी ने कितना भंगार भर रखा है इधर यार, ये भंगार बेचते बेचते नहीं है क्या। किधर है भाई स्कूटर, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, यहाँ है क्या। अरे हाँ यही तो है, लेकिन यार इसके तो हालत बहुत खराब हो रही है। चलो एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं और बाहर जाके देखते हैं इसको अच्छे से। ये देखो गाइस ये पूरी जंग खा रही है और उसके टायर भी गायब है, और देखो इसका इंजन भी गायब है। अब यार अपन इसका कुछ कर सकते हैं क्या। वैसे गाइस मैं सही बताऊं, मैं इसको पूरा सही कर सकता हूं, बस अपने को टायर और इंजन लगाना और इस पे कलर करना है। एंड गाइस ये सब ना मैं ही कर दूंगा क्योंकि मैंने सोडी भाई के गैराज में पूरा एक साल काम करा है। तो देखो सबसे पहले ना अपने को ये जैक की जरूरत पड़ेगी, इसकी मदद से अपन स्कूटर को हवा में उठा देंगे। रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये उठाया अपन ने स्कूटर और रख दिया ये जैक पर। ये देखो गाइस ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया, अपन इसको अच्छे से सही कर सकते हैं। अब गाइस स्कूटर सही करने के लिए अपने को लगेगा पाना, ये देखो ये रहा। और बताओ अपने को क्या लगेगा, अपने को लगेंगे ये टायर एंड अपने को इंजन लगेगा, लेकिन ये इंजन तो कार का है। मेरे हिसाब से ये इंजन सही है, ये स्कूटर में लग जाएगा। चलो भाई टायर इंजन सब आ गया, फटाफट से अपन इसको ये स्कूटर में लगा देते हैं। ये लगाया अपन ने टायर, वाओ यार फैंटास्टिक यार मस्त फिट हो गए। और ये लगाया अपन ने इंजन। एंड गाइस अपना आधा स्कूटर पूरा तैयार हो चुका है। एंड अब अपने को इस पर करना है पेंट, और वो अपन करेंगे पीला, क्योंकि गाइस सखाराम का कलर पीला ही था तो यहाँ पर रखा गया पीला कलर। अरे ये रहा, क्या बात है यार पीला कलर भी मिल गया अपने को। ओके अब मार दो इस पर स्प्रे, और वाओ यार फैंटास्टिक, बिल्कुल सखाराम लग रहा गाइस ये। अगर एक बार बेटे भाई इसको देख ले तो उनको ये लगेगा कि उनको सखाराम वापस आ गया है। चलो फटाफट से अब यहाँ से पेट्रोल की बाटली लेते हैं और इसके अंदर भरते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं। वाह यार क्या मस्त रिपेयर करा मैंने गाइज, ये देखो ये स्कूटर कितना सही चल रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं शोरूम से नया स्कूटर उठा के लाया हूँ। क्या बात है यार मजा आ गई, भेड़ा भाई का स्कूटर भी सही हो गया और अपना सब काम फ्री में हो गया। चलो इसको अब चल के भेड़ा भाई को दे देते हैं। ओके गाइज अब भेड़ा भाई के घर पहुंच चुके हैं, अब फटाफट से उनको ये स्कूटर डिलीवर कर देते हैं। देखना भेड़ा भाई तो बिल्कुल देखकर चौंक जाएंगे। अरे वो भेड़ा भाई किधर हो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेयर सेक्रेटरी। वो सब ठीक है, मैं बोल रहा था कि मैं आपका स्कूटर ले आया, ये देखो इधर आओ ये रहा है। अरे भाई यहीं पर तो था स्कूटर, कहाँ चले गया, कौन ले गया यार भाई। ओके गाइस मैं वापस ही भेड़े भाई का स्कूटर चोरी करके ले आया हूँ, अब इसको बेचकर जो भी पैसा आएगा ना उससे मैं जलेबी फाफड़ा खाऊंगा।